नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नो चिल डीएस सिरप के बारे में। इसके फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका, कब तक इस्तेमाल करना चाहिए, इन सभी बातों को इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे भी ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, नो चिल डीएस सिरप आता है एक्वाटस हेल्थ केयर कंपनी का, और इसमें जो प्राइस है वो है 85 रुपये 80 पैसे। लेकिन दोस्तों, ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है तो आपको थोड़ा कम प्राइस में मिल सकता है, ठीक है। तो इसके जो कंटेंट्स है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। इसमें है पैरासीटामोल, फिनाइलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनिरामाइन मिलिएट सस्पेंशन। और इसमें जो पैरासीटामोल है वो 250 mg है, और फिनाइलेफ्रिन है इसमें 5 mg, और क्लोरोफेनिरामाइन इसमें 2 mg। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजेस के, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग छोटे बच्चों में होने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। बहुत ज़्यादा अगर बच्चे की चेस्ट में रेशा जम गया है, निमोनिया की शिकायत है, गले में खराश है, बहुत ज़्यादा छींके आ रही हैं, आँखों से पानी आ रहा है और नाक से भी बहुत ज़्यादा पानी बह रहा है, और नाक बंद है, साथ ही साथ बुखार है, सिर में दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया होता है। लेकिन दोस्तों, इसके अकेले के साथ नहीं, इसको अकेला इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके साथ में एंटीबायोटिक वगैरह ज़रूर देना चाहिए बच्चे को, जैसे कि अमोक्सिसिलिन, सेफोडॉक्सिम या फिर सफिक्सिम, इनको भी साथ में देना चाहिए ताकि जो इन्फेक्शन हो गया है बच्चे को वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो सके, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है सर्दी जुकाम, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है बरसात का, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये बच्चों को हो रहा है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो साथ में कफ सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफेनिरामाइन और साथ में डेक्सट्रोमेथॉर्फिन आता है, उसका कॉम्बिनेशन आता है, रेक्सकॉफ डीएक्स के नाम से आता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोरेक्स डीएक्स के नाम से आता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो साथ में एंटीबायोटिक ज़रूर देना चाहिए, बिना एंटीबायोटिक के ये सही काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर बुखार है, इन्फेक्शन है, तो वो जड़ से नहीं जाएगा, थोड़ी देर के लिए सही हो जाएगा या थोड़े दिन के लिए सही हो जाएगा, फिर वापस बुखार जो है वो आ जाएगा, या फिर इन्फेक्शन जो हो रखती है सर्दी, जुकाम, खांसी की, वो वापस आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसकी डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो उपयोग है, अगर 3-4 साल का बच्चा है तो आप इसे 5-5 ml दे सकते हैं, ठीक है, सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम, ठीक है। अगर जो और छोटा बच्चा होता है, जो जैसे कि मान लीजिए 1 साल का है, ठीक है, 1 साल का है, तो उसे 1 या 1.5 साल का है, तो आप उसे जो 1/2 चम्मच दे सकते हैं सुबह शाम, और डॉक्टर की सलाह से ही देना है आपने। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लेना है और फिर दे देना है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग इन्फेक्शन होती है, तो उसी हिसाब से जो डॉक्टर है डोज़ को भी डिवाइड करके या फिर बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, या फिर ज़्यादा डोज़ को बता देते हैं, जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम को, या 4 बार भी बता सकते हैं, जैसे बच्चे की कंडीशन होगी, जैसे उसकी इन्फेक्शन होगी, उसी प्रकार से जो है डोज़ को भी डॉक्टर जो है बताते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी मर्ज़ी से डोज़ को नहीं देना है, फिर भी मैंने इसको रफली नॉर्मली बता दिया है कि आप जैसे अगर मान लीजिए 3-4 साल का बच्चा है तो आप इसे 1 चम्मच दे सकते हैं सुबह शाम, या 5 साल का है तो 10 ml भी दे सकते हैं सुबह शाम, या 3 टाइम भी बता सकते हैं डॉक्टर, ठीक है, तो जैसी उसकी कंडीशन होगी बच्चे की, ठीक है। तो एंटीबायोटिक जो है वो भी इसी प्रकार से देना होता है, ठीक है, सुबह शाम 5-5 ml दे सकते हैं एंटीबायोटिक का, और जैसी उसकी एज होगी, जैसा उसका वेट होगा, उस प्रकार से भी डॉक्टर जो है चेक करके बच्चे को बताते हैं, ठीक है। तो लगातार 3 दिन तो देना ही होता है, ठीक है, और अगर ज़्यादा और इन्फेक्शन रहती है तो आगे भी दे सकते हैं डॉक्टर, ठीक है, 7 दिन भी बता सकते हैं, 5 दिन भी बता सकते हैं, तो डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको लेने से वैसे कोई दिक्कत तो नहीं होती है, फिर भी अगर आपके बच्चों को इसको लेने से गैस बनती है, कब्ज़ बनती है, या फिर मुंह सूखता है, या चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, या घबराहट होती है, या पूरे शरीर में दाने निकलते हैं, खुजली होती है इसको लेने से, तो आप इसे तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।